गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोगों ने सुबह उठ चुके हैं, नहा लिए, नाश्ता कर लिया। आज हमने खाया ब्रेड पोहा, होता पोहे की तरह ही है बट वो ब्रेड का बनता है और थोड़ा फिल कर देता है अच्छे से। और अब हम लोग जाएंगे पार्लर, थोड़ा सा अपने आप को रीजेनरेट करेंगे, अच्छा अच्छा फील होएगा। तो देखते हैं, या तो हम अर्बन क्लैब से घर पे ही बुलाएंगे या फिर हम जाएंगे, तो भी देखते हैं क्या करते हैं। सो अंदर ये देख रहे हो आप, रेनू काम कर रही है, हमारी रेनू। ये मेरी मम्मी की लाडली रेनू है, ये जब मेरी मम्मी होती थी तभी से हमारे घर आती थी। वैसे बायकास्ट ये पंटानी है, तो हमारे यहाँ जब भी अमावस या शरादों में वो किया जाता है तो हम इन्हें ही बुलाते हैं। और ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, जब हमारे यहाँ गेस्ट ज़्यादा होते हैं या जैसे पापा अकेले रहते हैं तो यही पापा के लिए खाना बनाती हैं, यहाँ पे दो टाइम आती हैं, तो सही है। सो रेनू, ए रेनू, आज रेनू की एनिवर्सरी है, तो आज आपकी पार्टी हमारे को रेनू दे रही है। लाल साड़ी पहन के आई हुई है, ए कहाँ दे रही है आज पार्टी हमारे को, यही ग्रोवर में। ओए होए, आज हमारे को ग्रोवर लेके जाएगी। बट ऑफकोर्स सो सैड ना, मुझे हम मेरे को और अंजना दीदी को बाहर का खाना नहीं है, तो हमने इसे कहा है कि तू घर पे ही कुछ भी बना ले हमारे लिए, हम घर का खा लेंगे हम बाहर। हाँ भाई, हम लोग जा रहे हैं पार्लर, काले काले खोपड़े लेके चमकते हुए आएंगे, गंदी गंदी शक्लें लेके अब हम चमक के आएंगे पॉलिशिंग करा के। आएंगे ऐसे कि लोगों को गॉगल्स पहन के देखना पड़ेगा। ये वो कर रहेगी, आती रहेगी। ये हम आ गए थे पार्लर आकांक्षा मेकओवर्स। जो काम था वैक्सीन और सब हो गई है, तो अच्छा लगा, काम भी बहुत अच्छा है इन लोगों का। ये मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से करती हूँ और इनके पैकेज के रेट्स एंड ऑल बहुत अच्छे हैं, बहुत तसल्ली से काम करते हैं और कस्टमर को अच्छा टाइम देते हैं, एंड द वे दे डू इट काफ़ी रिलैक्स फील होता है, बहुत ही अच्छा, सारी टायर्डनेस निकाल देते हैं। मतलब फेशियल तो स्पेशली ऐसा करते हैं कि हैंड मसाज, बैक मसाज, नेक मसाज, फेस मसाज ऐसी कि वाओ। देखो गाइस, आ रही है ना चमक चेहरे में आफ्टर पार्लर। आ गई मैं घर, नहा ली और नियरली शायद तीन महीने के बाद मैं सरिता से मिल रही हूँ, मेरी घर वाली बेस्ट फ्रेंड लगा लो या ये लगा लो। जब से हम लोग द्वारका शिफ्ट हुए थे तो सरिता ही मेरी पहली फ्रेंड थी जो यहाँ थी, और इसने मेरे को एक बिग 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 सरप्राइज़ दिया जो कि मुझे देख के इतनी खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सरप्राइज़। इसने अपना 11 किलो वज़न कम करा लड़की ने, मैं देख के मैंने कहा ये सरिता ही है, बहुत मस्त हो गई। अब ये खड़ी होके दिखाएगी, अब दिखाएगी, अभी ये खड़ी होके दिखाएगी। ये इसने बहुत मोटी हो गई थी गाइस, इसने बहुत लूज़ करा है, बहुत वेट लूज़ करा है, और जब ये खड़ी होती है, अब हम लोगों ने तो देखा है इसको पहले, लेकिन इसने बहुत लूज़ करा है। अभी कह रही है 10 किलो और करूँगी, देखते हैं कितना करती है, करती भी है कि नहीं करती। बट सिर्फ डाइटिंग से करा है 11 किलो लूज़, और अब ये जिम ज्वाइन करेगी तो कह रही है आगे का जो मैं लूज़ करूँगी और वो जिम ज्वाइन करने के बाद, मतलब उसके साथ ही करूँगी डाइटिंग भी एंड प्लस जिम। तो बड़ा अच्छा लगा देख के ना, मन सा खुश हो गया कि वाह लड़की ट्रैक पे आ गई है, जबरदस्त ट्रैक पे होगी।
अब बातें बातें कर रहे हैं, अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, बहुत दिनों बाद मिले हमारे साथ, पास बहुत सारी बातें हैं, तो बाद में मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं और सरिता निकले हैं, बहुत टाइम के बाद। शादी से पहले हम बहुत घूमते थे भाई, बहुत ज़्यादा। पुराने दिन याद कर रहे हैं हम लोग, पुराने दिन पूरा कवर करके आई हूँ ना अभी पार्लर से, आसपास की गलियों में धूम मचाते हुए। नहीं वैसे अभी हम जा रहे हैं, मेरा नेल आर्ट रह गया था जहाँ से दीदी औरों ने कराया था, मुझे वहाँ से अच्छा नहीं लगा था, तो मैं अब करवा के आ रही हूँ। सरिता ने एक जगह बताई है वहाँ से कि वहाँ अच्छा होता है, उनके रेट्स भी अच्छे हैं, तो अभी जाके देखते हैं। यही लेके जा रही है मुझे नई जगह। हम लोग इतना द्वारका घूमते थे ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत द्वारका, हम द्वारका जाते थे हफ्ते में 2-3 दिन, मज़े करके आते थे, कुछ खा पी आते थे। अगर हमारी जेब में 50 रुपए भी होते थे ना गाइस, तो हम राजा होते थे। 50 में तो हम प्लानिंग करते थे हम क्या क्या खाएंगे आज। और अब 500 रुपये भी होते हैं ना, तो ये तब भी वो मज़ा नहीं है जो 50 रुपये में मज़ा था। क्यों सरिता? हमारी पेट प्लेसेस थी, हम वहीं जाते थे, और जब भी द्वारका जाना तो स्कॉन तो ज़रूर जाना ही जाना, स्कॉन टेम्पल हम जाते ही जाते थे। जिस दिन पैसे नहीं होते थे तो वहाँ की खिचड़ी खा आते थे हम। स्कॉन टेम्पल में बहुत टेस्टी खिचड़ी मिलती है ना, तो वही खा आते थे। सो गाइस ये अब हम पहुंच गए हैं पार्लर, और अब मेरा नेल आर्ट शुरू हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ का नेल आर्ट ये अच्छा बता रही है सरिता, बट नेल आर्ट का एक्चुअली पता चलता है कि वो होने के बाद कितने दिन तक तुम्हारे नेल्स पे स्टे करता है, तभी पता चलता है कि वो अच्छा नेल आर्ट था या नहीं था। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने दिन तक स्टे करेगा।